दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों कल बाजार कहां पे खुलेगा आज भी देखिएगा एक्सपेक्टेशन की गई थी कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा या फिर निगेटिव फ्लैट खुलेगा तो सेम सिनेरियो देखने को मिला मैंने कहा एक ट्रेड पर फोकस करिए सिंगल ट्रेड और आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से देखिएगा मार्केट निगेटिव ओपन हुआ और ये देखिए नौ बज के मिनट पर मैंने आपको बताया था तो आप देखते हैं चार्ट की पावर को देखिए चार्ट की पावर क्या होती है अब ट्रेंड पंद्रह मिनट में आएगा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मात्र सात मिनट में आपको ट्रेंड देखने मिला, हिट हुआ, और यह प्रॉफिट देखने मिला। तो कल फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्राइस एक्शन मिस नहीं करना है तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ लर्निंग स्टार्ट करिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्योंकि लर्निंग बहुत ही एसेंशियल है और आप देख रहे हैं एफ ने तीन दिन से सिनारियो बदल दिया है यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत में जो कॉशियस एलिमेंट थे जो सोचा गया था कि लिटिल बिट देखेगा चेंजेस हो सकते हैं तो अब तक अगर आप देखेंगे तो सिनारियो में तीन ट्रेडिंग सेशन से लगातार निगेटिविटी देखने को मिली है और मार्केट बहुत ही रेंज में रहता है तो आपको ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी यानी कि जब मार्केट इतनी रेंज में फंसा हो तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी क्योंकि आपको बिग रेंज नहीं मिलेगी और आप फोर्सफुल्ली ट्रेड करोगे और जब आप फोर्सफुल्ली ट्रेड करते हो तब आपको देखिएगा क्या होता है लॉस तो होता ही है और ब्रोकरेज का भी लॉस होता है तो उन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या है बेसिकली आपको एक ट्रेड सेटअप जो बताया जाता है उस पर फोकस करिए तो अभी तो निगेटिव है और आप समझ सकते हैं जब तक तो फेड का आउटकम नहीं आ जाएगा तब तक ये निगेटिव ही रहेगा तो एफ आई आई तो अभी निगेटिव है लेकिन सबसे बड़ा टर्न अराउंड कल आपको फोकस करना है और आज रात को भी अपडेट करूंगा एक बजे के आसपास वन ओ क्लॉक पर अगर आप देखेंगे मैं अपडेट करूंगा यहां पर डॉलर इंडेक्स मुझे डॉलर इंडेक्स कल का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा क्यों क्योंकि कल है फेड मिनट का आउटकम और फेड जब भी कुछ बोलेगा तो आपको पता है कि उसके बाद उनके ऑफिशियल्स उसको कैरी ऑन करेंगे और उसका आउटकम आपको एक्सपायरी में देखने को मिलेगा एक्सपायरी में उसके अकॉर्डिंग ही पोजीशंस बनेंगी और देन आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट वीक का देखिएगा सिनेरियो मिलेगा फ्राइडे को तो कल से वोलेटैलिटी शुरू होगी लेकिन कल से वोलेटैलिटी कितनी ज्यादा बड़ी होगी कितनी ज्यादा छोटी होगी ये पता चलेगा कि डॉलर इंडेक्स बाउंस बैक कर रहा है कि 106 की तरफ जा रहा है तो अगर 108 9 नौ की तरफ जाता है 108 और नौ की तरफ जाता है आज रात से ही थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होना शुरू होता है डॉलर इंडेक्स का तो आप समझ लीजिएगा कि सिनेरियो पूरी तरीके से पूरी तरीके से देखिएगा ट्रेंड में जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग के और अगर आप देखिएगा ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है तो ऐसा सच कंसोलिडेशन बरकरार रहेगा अब इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट देख देखिएगा आ चुका है कि सबसे पहले मनी कंट्रोल पे देखेगा जाके चेकआउट कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक जो कंसर्न बना हुआ है कोविड का चाइना की तरफ से वो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ओपेक किसी भी तरीके से र्यूमर्स को भी देखेगा आ, बिल्कुल नहीं फैलने दे रहा है कि हम कहीं से भी सप्लाई बढ़ाने जा रहे हैं सप्लाई बढ़ाने की कोई बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ऑलरेडी देखेगा डिमांड बहुत ज्यादा कम है यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा कम है क्योंकि चाइना की तरफ से डिमांड नहीं आ रही है तो जब तक चाइना की तरफ से डिमांड नहीं आएगी तब तक क्रूड जंप नहीं होगा और क्रूड जंप नहीं होगा तो आपको पता है रिलायंस उतना अच्छी तरीके से मोमेंटम या फिर कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता तो आप देख सकते हैं कि, कि किसी भी तरीके से सप्लाई इंक्रीज की कोई भी बात नहीं है और सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरीके से क्रूड ऑयल को लेकर अभी भी देखेगा सस्पेंस बना हुआ है और आप देख सकते हैं आराम से देखिएगा अच्छे लेवल पे आपको क्रूड देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में एज सच कोई बड़ा जंप नहीं आता है तो वेल एंड गुड है और आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल में अगर जंप नहीं आता है तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री में देखिएगा थोड़ा सा पेन देखने को मिलेगा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिलेगा या फिर उस तरीके की तेजी नहीं देखने को मिलेगी तो अभी कॉशियस बना रहेगा मार्केट कल भी कॉशियस बना रहेगा और कल एक सिंगल देखिएगा सिनारियो के लिए जाना है कल भी मार्केट आसपास फ्लैट ही ओपन होने वाला है या तो निगेटिव होने वाला है फ्लैट या निगेटिव अभी, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूं पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए चूंकि आपका मोटिवेशन ही सब कुछ है और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक बहुत ही बहुत ही शानदार कल के लिए प्राइस सेक्शन भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा तो सबसे पहले देखिएगा का कारण यह है कि 18280 पे आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी फ्यूचर और इस समय अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी क्लोज हुआ था अट्ठारह दो सो पचास के आसपास तो एज सच थर्टी पॉइंट्स का तो गैप रहता ही रहता है अगर यहां पर सिनारियो को मान लेते हैं कल के मॉर्निंग का कंफर्म सिनारियो तो भी आपको पता है कि निफ्टी निगेटिव में खुलेगा या तो बहुत मुश्किल अगर देखिएगा 300 भी पार कर देता है अट्ठारह तीन सौ चला जाता है निफ्टी 50 का फ्यूचर तो वो पॉजिटिव ओपन होगा लेकिन फ्लैट ओपनिंग कहेंगे उसे तो इसलिए कल निगेटिव ओपनिंग के ज्यादा चांस है निगेटिव ओपन होंगे तो बेस्ट पार्ट यह रहेगा कि आप एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हो कि अगर मान लीजिए हम फ्लैट खुल गए या फिर थोड़े से निगेटिव खुल गए तो हम एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ डाउ फ्यूचर्स अगर डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं कि निगेटिव है शॉर्ट कवरिंग दे सकते हैं तो तो जाएंगे और अगर मान लीजिए थोड़ा सा पॉजिटिव खुल जाते हैं और डाउ फ्यूचर्स बहुत ही निगेटिव है तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं गैप के साथ खुलते हैं अगर तो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कल फ्लैट प्लस निगेटिव ओपनिंग हो सकती है और अगर वो होती है तो आप समझ लीजिएगा कि फिर आप एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेवल रहेंगे वो अट्ठारह तीन सौ साठ ही एक रहेगा ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ देखिएगा अट्ठारह एक सौ पचहत्तर और फिर रहेगा अट्ठारह जीरो पचहत्तर ये दोनों लेवल याद रखिएगा और निफ्टी बैंक काफी तेज है तो आपको कल बयालीस दो सौ का सपोर्ट लेके चलना है और ऊपर बयालीस छह सो साठ का तो इन लेवल पे फोकस करिएगा साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि बी में डिविडेंड आने वाला है और शानदार डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है तो कल ये प्राइस एक्शन का देखिएगा एक पर्टिकुलर मोमेंटम दे सकता है स्टॉक चूंकि आज ही अनाउंस हुआ है आप देख सकते हैं सत्रह रुपए पचास पैसे बहुत ही होता है अप्रॉक्स अप्रॉक्स अगर आप कहेंगे तो पाँच छः परसेंट का डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा थैंक यू सो मच और हमारे टेलीग्राफ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे थैंक यू सो मच